Hey guys, what's up and welcome back to a new episode of Chernobylite. So, पिछले एपिसोड में हमने एक सिमुलेशन रन किया था एंड एक मेन मिशन किया था. एक्चुअली जो सिमुलेशन और मेन मिशन था ये एक दूसरे से काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेटेड था, मैं बोलूँगा, क्योंकि जो सिमुलेशन हमने रन किया था उससे हमें ये पता चला कि टाटियाना जो थी वो पेशेंट जीरो थी, यानी कि सबसे पहली पेशेंट थी जिनके ऊपर ये लोग चर्नोब्लाइट से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एनआर वाले. एंड वो प्रेगनेंट भी थी एंड उसको एक बेबी बॉय हुआ था जो कि अभी पता नहीं अभी एक टीनेजर बन चुका होंगे, लेकिन उसके बारे में हमें अभी तक गेम में कुछ दिखाया नहीं है. उसके अलावा जो हमने मिशन किया था उसमें हम एनआर की लेबोरेटरी में गए थे. वहाँ पे उल्गा ने बताया था कि उसके माँ को काफ़ी सालों पहले लेके गए थे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए. तो उधर हमें पता चला ये लोग एक्चुअली में चर्नोब्लाइट को मतलब कुछ मिला के इनके जीन्स के साथ, ह्यूमंस के जीन्स के साथ मिला के वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे ह्यूमंस के पास मतलब साइकिक एनर्जीज वगैरह, टेलीकिनेसिस, ये सारी एनर्जीज, सुपर पावर्स वगैरह डेवलप की जा सके. बट ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं एंड ये लोग या तो मर जाते नहीं तो फिर मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था. एक एक्सपेरिमेंट जो पास हुआ है फाइनल स्टेज के, आई थिंक वो मे बी टाटियाना हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बोला था फाइनल स्टेज जो भी मतलब पेशेंट पास हो जाता है उसके बाद मतलब थियोरेटिकली उसके पास चर्नोब्लाइट के कुछ मेंटल वेव्स वगैरह से कम्युनिकेट या कंट्रोल करने की ताकत आनी चाहिए. तो चांसेस है कि टाटियाना जो पेशेंट जीरो थी वो फाइनल स्टेज को पास की हो, जिस वजह से वो जो भी चर्नोब्लाइट के कॉन्टैक्ट में आए उनसे मतलब ऐसे कम्युनिकेट कर सकती है. जैसे इगोर को टाटियाना दिखती है गेम के स्टार्टिंग से, ऐसे तरकार एंड दूसरे कैरेक्टर से इनको भी दिखती है कुछ कुछ. इसके अलावा हो सकता है ब्लैक स्टॉकर के ऊपर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिस वजह से उसके पास ऐसे पावर्स है अजीब सी, है ना, फोर्स फील्ड वगैरह वाली. तो ये सब हमें ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आज हम सबसे पहले ब्लैक स्टॉकर का सिमुलेशन रन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने क्लूज हैं कि हम ब्लैक स्टॉकर के बारे में जान सकें. तो देखते ही ये कौन है पहले एंड उसके बाद मेन मिशन की तरफ फोकस करेंगे. ये नहीं, सिमुलेशन रन करना है ना. एंटरिंग द वर्चुअल रियलिटी विल पुट यू अप एंड ड्रीमिंग का सीक्रेट है. ओके. अच्छा, वैसे मिकेल से हमने स्किल भी सीख लिया तो हमारे पास अभी फुल इन्वेंट्री खुल चुकी है. तो मैंने रेल गन भी डाल दी है मेरी इन्वेंट्री में, तो अभी हम कुछ रेल गन यूज़ करेंगे अगर हम एनिमीज को मारना रहा तो. काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ गन है, उसका एमओ अपने आप रिफिल हो जाता है. मैंने वो अपग्रेड कर लिया, एक मैगजीन लगाना पड़ता है हमें एंड उस पर थर्मल स्कोप भी लगा हुआ है. ओके, चलो देखते हैं ये ब्लैक स्टॉकर है कौन. Listen, Georgi, I know what I'm doing, but there's no going back now. I know, my dear friend. It's just that we lost such a brilliant mind that terrible night. I'm afraid of losing you, too, all over some romantic squabbles. Achha, to ye Boris aur Semenov the. We lost a brilliant mind. Ye kiske baare mein bol raha tha? Tatiana ke baare mein bol raha tha ki hamare baare mein bol raha tha, Igor ke baare mein. Kyunki Igor, Tatiana aur Boris, ye teenon Semenov ke students the. And this misunderstanding also cost you your good looks. I don't want to listen to this anymore. No more distractions, you hear me? Okay. Oh yes, of course. I'm very happy to hear that it's all in the past now. ऐसा लग रहा था body parts थे वो जो table पे पड़े हुए थे. Good. So let's get to it. I would like to see some results as soon as possible. We both know that she's the key. We've wasted enough time already. All right. Just don't do anything rash, please. We need to follow the proper protocols. So my dear friend Boris worked with Semenov even after the Chernobyl disaster. I wonder what happened to his face. And Tanya is the key. The key to what? Gah. What happened to his face? I've got to keep digging. क्या चेहरा अजीब सा है क्या कुछ? हो सकता बोरिस ही ब्लैक स्टॉकर हो, ये भी चांसेस है. चलो देखते आगे बढ़ते. मोशन ब्लर चालू है क्या? हम जब चल रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है, लग रहा मोशन ब्लर चालू है ऑप्शन. एनएआर मेडिकल लेबोरेटरी 1999. ओके, तो टाटियाना को इन्होंने उठाया था एनएआर वालों ने 1990 में. एनएआर नहीं, तब केजीबी हुआ करती थी. आई थिंक केजीबी जो है यही इवॉल्व होके मे बी एनएआर में बाद में बदली है ऐसा कुछ. तो 1990 में उठाया था इन्होंने. Trials were too aggressive, my friend. I told you that you were using too much, didn't I? I told you. You're lucky you didn't end up brain dead like the others. But here we are. Boris is dead. Truly dead this time.
There's no reason to pretend otherwise now. I suppose I should have seen this coming. The mental projections you told me about, the visions, they've been building for some time. Boris is dead, okay. Okay. Boris mar gaya. Kahi se inhone Boris ko wapas zinda karke Black Stalker to nahi banaya tha. To be honest, I just thought that your hallucinations meant you were losing your mind. Prolonged exposure to Chernobylite often causes psychosis and hysteria, after all. Why, I've seen the test subjects babbling about Cthulhu, or wanting to save the world from rats. Okay. Tarakangi, test subject to nahi, isne bola, I've seen the test subjects babbling about Cthulhu or saving the world from rats, and Tarakan rat king rats karte rehta hai. इसके अलावा मुझे लग रहा है अभी ये जिससे बात कर रहा है ना वो बंदा है जो शायद ब्लैक स्टॉकर बनता है तो या तो बोरिस है या फिर बोरिस मर गया एंड ये फिर बोरिस के बाद वाला कोई दूसरा बंदा इस पे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने वो मैं भी सक्सेसफुल है एंड उससे बात कर रही है You really did it, my friend. You crossed the Rubicon. You achieved something that no one has ever achieved before. Well, except her, but she has a different purpose. You will be the first of your kind. You will help me bring about a new era of human evolution. Yep, ye Black Stalker se baat kar raha hai. You will help me reach the stars. Okay, to agar aapne iska dialogue dhyan se suna hoga to usne bola you have achieved perfection or something something except her yani ki ek Black Stalker aur ek Tatiana yehi dono log hai jo ye experiment mein successful hue hain jinke upar ye experiment karne ke baad NR wale successful hue hain. अब जो टाटियाना है वो समथिंग उसके पास कुछ अलग ही पावर्स है पता नहीं क्या है वो शायद फाइनल स्टेज को भी पार कर चुकी इस वजह से वो हमसे सबसे कम्युनिकेट कर सकती है ब्लैक स्टॉकर ऑन द अदर हैंड समथिंग कुछ और लाइक अ वेपन योर पैथेटिक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट्स डिस्ट्रैक्शंस फूलिश डिस्ट्रैक्शंस फॉर द वीक वेस्टिंग योर टाइम सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स बट नॉट एनीमोर यू डोंट नीड एनी ऑफ दैट गोइंग फॉरवर्ड You're to be my right hand in the days to come. अच्छा, सेमेनोफ ही विलन है क्या फिर? इसने कुछ जानबूझ के टाटियाना पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया मुझे लग रहा है सेमेनोफ सेमेनोफ विलन है अभी. It's time to drop your old mask and don a new one. Time to become what you were always meant to be, the Black Stalker. Wake up soon. We've got plenty to do, you and I. Okay. So it was Boris all along. Yeah, Boris is started okay. the Chernobylite trials on himself. Lol, okay. Became the Black Stalker. Dear God. Yeah, मैंने बताया था एपिसोड के स्टार्ट में मुझे लग रहा था बोरिस है पहले मुझे लगा था मेबी इगोर का और टाटियाना का जो बच्चा है वो हो सकता है क्योंकि उसकी एज अभी एक टीनेजर के आसपास होगी बट वो नहीं है तो फिर बोरिस या ये मैंने बताया था कि वो जो ये क्या पोर्च ऑफ द किंडरगार्टन चेर्नोबिलाइट 18 जून 2001 ओके कि बोरिस ब्लैक स्टॉकर जब हमसे बात कर रहा था ना तो कुछ ऐसे बात कर रहा था जैसे वो इगोर को जानता हो जब हम ब्लैक स्टॉकर से एक बार लड़े थे एवरीथिंग यू नीड टू नो जनरल व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम दैट्स व्हाट यू आर कॉलिंग इट लुक आई वोंट इवन प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू एंड योर लैब मंकीज आर डूइंग डाउन देयर एंड आई वुडंट केयर इफ आई डिड What I do care about is this facility and the safety of my men. Okay. This facility and safety of my men, but kisse? So the next time you decide to rush an experiment that can potentially release a bunch of fucking monsters into the world, Achha, please tell me beforehand so I have time to devise a strategy. First off, the shadows are key to our research. They are hybrids that... You know what? I won't bother you with details that you won't be able to understand anyways. अच्छा ठीक है तो सेमेनोफ है इसकी पूरी जड़ क्योंकि इसने एक्सपेरिमेंट्स किया शैडोज बनाए Actually, no, I'm responsible to the board, not to you, Kozlov. Your job is to safeguard this operation, not lecture me on things you will never come close to understanding. In fact, the board wants you to cooperate closely. Very closely with my right-hand man. I would like you to familiarize him with all of our security protocols.
ओके तो कोजलोव जो है ये आई थिंक एनएआर जो भी आर्मी यहाँ पे है उनका काइंड ऑफ हेड है एंड जो भी बोल्ड करके इसने जो बोला ग्रुप ऑफ पीपल वो लोग इनको मतलब पैसे भी दे रहे कैपिटल भी दे रहे एक्सपेरिमेंट रन करने के एंड प्रोटेक्शन भी दे रहे सेमेनॉफ को एंड सेमेनॉफ ने ब्लैक स्टॉकर भी बनाया यानी बेसिकली बोरिस ही ब्लैक स्टॉकर है द फ्रीक इन द ब्लैक मास्क यू वांट टू टेल मी हु द हेल ही इज आई लाइक टू नो हु आई एम वर्किंग विद इफ यू नीड अ नेम कॉल हिम व्हाट द रेस्ट ऑफ योर मेन कॉल हिम द ब्लैक स्टॉकर One last thing. I know you don't share my views on the future prospects of this organization, but don't even think about throwing in the towel. If we fail, there will be hell to pay for both of us. There is no walking away now. Okay. और क्या खत्म हो गया क्या? अच्छा इस तरफ जाना होगा। So the NAR is somehow responsible for creating shadows, or at least releasing them into the world. And Boris, the Black Stalker is also involved in NAR security. जाना किधर है exactly? Hello. अच्छा यहाँ से चलो निकले एन ए आर सेवन ऑफ बोरिस सब मिले हुए फिर तो अभी तक तो इसे लग रहा था ये बोरिस पे भरोसा कर सकता है तो बोरिस ने इसको कुछ बताया नहीं खुद से वैसे डिवाइस काफी खतरनाक है इसने जो बनाया है अरे अड्डा बस क्लूज और डेटा कलेक्ट करो एंड फिर ये पूरा ये रन कर सकता है सिमुलेशन एक्चुअली में देखने के लिए कि हुआ क्या था हमारे पास दो स्किल पॉइंट्स आ गए थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि एक कैरेक्टर और बचा है अभी हमारे टीम में ऐड होना फिलहाल हमारे पास या ये कैरेक्टर बचा है उसके मिलने के बाद उसके कुछ नए स्किल्स आएंगे कुछ नया मिशन मिलेगा हमें कौन देगा कोई तो देगा ओलिविया ये नहीं ओके अच्छा एक्चुअली दो ही मिशन है इस बार तो मुझे लग रहा है मे बी मतलब गेम में यूजुअली होता कैसे हर डे के एंड में अगले डे के स्टार्ट जब होता है तो एक नया मिशन मिलता है अब ये मिशन स्टैक इसीलिए हुए थे कि हो सकता है आप किसी दिन पे डिसाइड करो कि आज मुझे मेन मिशन नहीं करना है कुछ साइड मिशन करने जाना है जैसे कि ये मेडिसिनल ड्रॉप या एमो ड्रॉप एंड और भी लूट इकट्ठा करनी है तो अगले दिन वाला मिशन जो है और पिछले डे वाला मिशन वो दोनों ही आ जाते हैं और वो काइंड ऑफ स्टैक हो जाते हैं इसलिए हमारे तीन मिशन स्टैक हुए पड़े थे बट अभी एक और मिशन नहीं आया है तो वो चांसेस है कि मे बी ये दोनों मिशन करने के बाद स्टोरी का कुछ मेजर डेवलपमेंट हो वगैरह तो चांसेस है उस वजह से और मिशन स्टैक ना हो या फिर मे बी आज के एक दिन मिशन ना आए हो नेक्स्ट डे मिशन आए वो हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में फिलहाल हमें पहले बिग फिश करने जाना है मिगेल वांट्स यू टू कैप्चर एंड इंट्रोगेट सम बिग फिश फ्रॉम एनएआर वाइल द मोरालिटी ओके इसमें भी काफ़ी सारे एनएआर सोल्जर्स होंगे पिछले बार जो किया था हमने मिशन उसमें भी बहुत सारे एनएआर सोल्जर्स थे चेन रिएक्शन ये सेमेनॉफ ने हमें कहीं पे मिलने को बुलाया अब क्योंकि हमें सेमेनॉफ की सच्चाई पता चल गई है मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रैप हो सकता है पहले एक ओपाची वाला मिशन करते हैं ओपाची तो एकदम पास में ही है इधर एंड अभी बुलेट मेडिकल लिस्ट में किसका सबसे ज़्यादा है 93 ओके कराकान 99 इसका 93 ओके कूल निखिल घर पे बैठेगा तो घर पे इसको घर पे बिठा के रखेंगे चलो एक प्लस पॉइंट ये है हर दिन का मिशन उसी दिन करने के लिए विद मिखेल इज इट व्हाट इज ही ड्रैगिंग यू इनटू दिस टाइम द एनएआर फिश टैंक इज अ वेरी मर्की एंड डर्टी प्लेस कैन यू रियली टेल द डिफरेंस बिटवीन अ बिग फिश एंड अ बॉटम फीडर व्हेन यू मीट देम या तो मैं ये बोल रहा था हर एक डे का मिशन उसी दिन निपटाने का फायदा ये कि आपके पास चार और खुले स्लॉट्स रहेंगे रैंडम साइड मिशंस करने की जिसपे आप अपने कंपेनियंस भेज सकते हैं यानी कि ज़्यादा रिसोर्स मटेरियल्स मिलेंगे वो एक प्लस पॉइंट है बट लेकिन उसका एक माइनस पॉइंट ये कि आप खुद से कहीं पर जा नहीं सकते रिसोर्स कलेक्ट करने आप जो मेन मिशन करने जा रहे हो उसी में आपको उठाना पड़ेगा ओके कोई भी ये कौन है इवेंट जी तो कोई भी ये मिशन नहीं है क्या कहते हैं उसे रैंडम इवेंट्स नहीं है वैसे पिछले एपिसोड में भी कोई भी रैंडम इवेंट नहीं आया था
हमें सीधा जाके बिग फिश को पकड़ना है. ओके कूल. जाते जाते जो भी लूट वूट दिख रही होंगी वो भी उठाएंगे. मुझे ऐसा लग रहा है अब गेम के एंड के क्लोज हो रहे हैं. एटलीस्ट 50% से तो ऊपर गेम पार हो चुका है मेरे हिसाब से. ज़्यादा बचा नहीं होगा. आई थिंक 60% और 60% तक हमने कर लिया होगा प्रॉबेबली. एक दो तीन इधर इनकी क्या पार्टी चल रही है क्या भाई. एक को तो हम आई थिंक या स्टेल्थ से मार सकते हैं. ये लोग पूरे आर्मर वार्मर पहन के घूम रहे हैं. ये पुराने सोल्जर्स जैसे बिल्कुल नहीं है. पुराने सोल्जर्स एकदम नॉर्मल होते थे. इसको दिखेगा क्या. इस तरफ आएगा. लोल आ ही नहीं रहा है. ओके ओ भाई किधर जा रहा हूँ मैं. इसको निपटा सकते हम अगर इसका दोस्त मुड़ के वापस से टिया गया. अबे देख लिया उसने मुझे. दूसरा लेन देख लिया होगा अभी तक. नहीं नहीं ये बचा एक. गाना गा रहा है. इसको बॉडीज कैसे नहीं दिख रही है सामने पड़ी हुई. कोई बात नहीं सो जा. इसको भी सुला दिया बस. सभी तीनों सो रहे हैं अच्छे से. हम भी यहाँ से निकल सकते हैं. वहाँ पे क्या मिस कर दिया मैंने. हर्ब उठा लेते फ्री का हर्ब है. ओके ये तीनों पता नहीं रैंडमली रास्ते पे चक्कर लगा रहे थे. मुझे लग रहा आगे भी होंगे भर भर के सोल्जर्स. जैसे अभी हम दूर है काफ़ी और ऑब्जेक्टिव से 145-130 मीटर्स. किधर ऑब्जेक्टिव बीचों बीच रोड के खुले में क्यों है. किसी को पकड़ना है जिंदा क्वेश्चन करने के लिए तो वो एरिया से टफ होने वाली है. बिल्डिंग के अंदर होता था तो वह ज़्यादा आसान होता था हमारे. केमिकल्स पड़े हैं. हेलीकॉप्टर पहले से था कि क्रैश हुआ होगा शायद. नहीं तो कुछ ना कुछ डायलॉग या कटसीन जरूर आता. सोल्जर्स वगैरह नहीं है क्या इधर कोई. होने तो चाहिए मेरे हिसाब से.
मैं ऑपोजिट साइड क्रॉस नहीं कर पा रहा. I'm in position. How is this a good vantage point? No tower, no hill? Right. You won't need a tower. There should be a control unit nearby. Find it and power it up. मुझे लग रहा है यही कंट्रोल यूनिट है इसका. यही है. इधर कुछ क्लू मिल गया हमें. Part 20 launching and acquiring guidance procedure in full combat received only. Launching procedure may be initiated only after acquiring confirmation codes from the P-15 target acquisition radar. Will teach up. इस आवाज़ से खुले में कैसे पड़ा है बट ये मशीन. ओ ये तो मिसाइल लॉन्चर है. ओके. Found it. What is this thing? अच्छा हमें. Mikhail, what are you not telling me? Helicopter. Where is this big fish? He'll be flying over in a helicopter pretty soon. All you need to do is fire up the missile defense system. The rest is automated. Achcha. Pretty fucking awesome, right? It's old Soviet technology. I found it totally by chance. Don't tell me that's not a great fucking plan. What? You want me to shoot down a helicopter? Are you out of your goddamn mind? Au contraire, mon frere. It's the perfectly rational thing to do. Cut off as many of the Hydra's heads as you can! This is insane, Igor. You've no idea who's on board. I know we want to take down NAR, but blowing unidentified targets out of the sky is a war crime. I knew there will be there will come a time when I have to start making hard choices and accept the collateral damage. Mikhail is out of his mind. No way I'm doing that. मैं exactly sure नहीं हूँ. अब ऐसा तो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि एरोप्लेन में किसी जैसे सेमिनोव को लेके जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में एंड वो मर गया एंड उससे अभी आगे कोई मिशन करना था तो वो ख़राब हो जाए या फिर हो सकता है मे भी टाटियाना ही हो हेलीकॉप्टर में होने के चांस कम है उसके. बट फिर भी मुझे लग रहा है अगर हम शूट नहीं भी करेंगे तो भी हमारे पास कोई चांस होगा जिससे हम किसी और तरीके से वो हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर से जो भी आदमी आ रहा है उसको पकड़ सके. दिस इज फकिंग क्रेजी. I am not going to shoot without knowing for certain who's on board that helicopter. It could be women and children for all we know. You've got to get your head straight, pal. Everyone here, everyone in that chopper, they're all NAR volunteers. Every one of them deserves to die for what they did to me and my friends. Okay, Miguel, I don't know what you're talking about, and I'm not going to do it. It's over, Mikhail. You couldn't pull the trigger, huh? I knew it. Don't send a fucking pussy to do it. Now, fuck! Accept it and move on. That's not how we do things around here. You think you can tell me how we do things? My best buddies were slaughtered by these assholes. They tortured us. They clamped electrodes on my fucking nipples. Can you imagine what that's like, huh? Calm down, Mikhail. I want to get them as much as you, but not like this. I'm not going to fucking calm down. You robbed me of my revenge. You think you're something special, fucking egghead. Really, you're just a common thief. You are a major fucking disappointment, Igor. Okay. Olivia will like this. Miguel ka status kharab hua hoga. Big fish. ईगो उसका अभी तक मिगेल का लिख के नहीं आया. आना चाहिए. प्रॉबेबली ख़राब हुआ होगा स्टेटस बट मुझे लग रहा है ये सही ऑप्शन था क्योंकि हमें एक्चुअली पता नहीं कि कौन जाने वाला है प्लेन से. ये क्लू में कुछ लिखा हुआ है क्या? चेकलिस्ट वगैरह इनिशिएटिंग पीवीआर एक्वायरिंग द टारगेट डिफेंस सिस्टम. लाइक पहली बार तो मुझे ये जानना है इसके अगर कैच एनी इडियट्स हु इज प्लेइंग द सिस्टम अगेन आई एम गोइंग टू हैव यू स्क्रबल ऑफ द शटर्स. ओके मुझे ये जानने की मिकेल को ये रॉकेट मिला कैसे सवाल ये है. एनीवेज मिशन बहुत जल्दी निपट गया आज के एपिसोड का तो हम अगला मिशन स्टार्ट करने वाले हैं. ओके एंड आसपास कुछ
ये इधर है थोड़ा, हाँ उठा ले बढ़िया, और कुछ भी दिख नहीं रहा जो टैग हुआ, तो निकल जाए यहाँ से, नेक्स्ट मिशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि रैंडमली किसी भी हेलीकॉप्टर को ऐसे मारना जिसमें हमें इंटेल नहीं है कि कौन जा रहा है, मे बी मुझे ठीक नहीं लग रहा, कि वो मुझे एक ऐसा अनसर्टेन चॉइस लग रहा है जिसमें गेम बाद में बोल सकते अच्छा तुमने तो गलत डिसीजन लिया इसलिए तुम्हें ये एंडिंग मिल रही है या फिर ये होने वाला गेम में अभी ऐसा। What the hell was that? I don't have time for cowards and pussies, which is what you are. Piss off. Tell him to stay, tell him, अच्छा अच्छा ये छोड़ के जाना चाहता है। This guy is downright crazy, but I can't be picky anymore. I know we have our differences. But you really ought to stay. I need you here. Damn right you do. Don't you ever forget that. अच्छा अच्छा ठीक है, तो हम इसे जाने को बोल सकते थे क्योंकि इतना गुस्सा हो गया था, बट ठीक है। हमें टोटल 5 कैरेक्टर्स तो चाहिए, तो फिर हम इसको जाने को नहीं बोल सकते हमारा फाइनल हेस्ट मिशन पुल ऑफ करने के लिए। ओके एंड इट सीम्स दैट सबका मिशन सक्सेसफुल रहा है, बहुत बढ़िया। ओके कूल, तो इस अच्छा हुआ था हमने स्किल पॉइंट्स लर्न कर लिया पहले ही मिकेल से, देखने तो अभी ये अब गुस्से में तो मना तो नहीं कर देगा सिखाने से स्किल, और जाके बात करके देखते हैं किधर है ये एक खड़ा है। What's up, my bud? I was just thinking, Mikhail, how did you get to be so knowledgeable? Why? अच्छा अच्छा तो मिशन खत्म तो गया। I studied a lot. You studied botany? Best fucking. I see. Give me that look. I've always been into everything in my. So if you got. Really? Well, I luckily for. Sounds. How else would I wait? Ingesting. अभी ये नॉर्मल बातें कर रहे हैं मशरूम्स और इन सब के बारे में। रिलेशनशिप स्टेटस न्यूट्रल हो गया। ओके पहले गुड हुआ करता था, अभी न्यूट्रल हो गया। एनीवे न्यूट्रल भी ओके है। शो इक्विपमेंट रिमूव फ्रॉम टीम नहीं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट मिशन स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड में, क्योंकि पहला वाला मिशन काफ़ी जल्दी निपट गया। मेरे इन्वेंटरी में जो एक्स्ट्रा आइटम्स हैं वो ज़रा मैं डंप कर दूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या छोड़ना है, केमिकल्स छोड़ना है, मैकेनिकल पार्ट्स छोड़ने हैं, और ये भी छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, राशन और हर्ब्स जाएंगे इधर, एंड मेटल प्लेट और क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा, बुलेट्स तो कहीं और जा रहे हैं। ये हीलिंग एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा है, ये सब भर के रखा है ना, जब भी हमारे ये ख़त्म हो तो हम सीधा के उठा सकते हैं यहाँ से। और क्या है, सेरेमिक प्लेट तो अच्छा है, मेरे पास एक्स्ट्रा सेरेमिक प्लेट पड़ा है, ठीक है। मेरा आर्मर फुल है तो एक्स्ट्रा सेरेमिक प्लेट एक्चुअली ना ये हमारे यूज़ में आएगा, क्योंकि बाय चांस लड़ते लड़ते ही ख़त्म हुआ तो सेरेमिक प्लेट एक्स्ट्रा रखने का फ़ायदा ये कि हम तभी प्लेट डाल के आर्मर वापस बढ़ा सकते हैं, तो वो एक चीज़ सही हो गई मेरा, अभी मैं अभी रियलाइज़ किया हो। ओके एक्स्ट्रा बुलेट्स की तरह डंप करने हैं यहाँ पे, ये अलमारी में था ना, ये मैंने नया बनाया था बुलेट्स डालने के लिए, ठीक है। 40, 60, 78 बहुत सारे बुलेट्स है ये तो, अब ठीक है। 80 ओके ओके कूल। नेक्स्ट ये कहाँ से आया, एक एक्स्ट्रा लॉक पिक, 5 लॉक पिक ऑलरेडी है मेरे पास, फालतू में एक एक्स्ट्रा स्लॉट ले रहा है मेरा, ठीक है चलो नेक्स्ट वाला मिशन स्टार्ट करते हैं फिर। मुझे एक चीज़ चेक करनी है, अगर मैं ये एमो हटाऊँ तो तब भी मेरे गन में गोली रहेंगी, अच्छा नहीं मिनिमम थोड़ा सा एमो चाहिए गोली रहने के लिए, क्योंकि ये वाली गन रिप्रोड्यूस कर दिया ना बुलेट्स, तो मैं वही चेक करना चाहता था कि अगर कोई भी एमो नहीं है तब भी गन में गोली रहेंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं रहेंगी यहाँ पे। और बेस का स्टैट्स देख लीजिए, ठीक है सब कुछ प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेस पावर थोड़ा सा पावर की कमी है, वैसे हम पावर जनरेटर बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि सब प्लस में और मुझे लग नहीं रहा कि आगे हमें कोई और आइटम बनाना बचा है, फिर मैं उस पर खर्चा नहीं कर रहा अभी फिलहाल। चलो
नेक्स्ट मिशन चालू करते हैं जिसमें हमें सेमेनोफ से मिलने आना है, क्योंकि हमें पता है कि सेमेनोफ फेनियार के साथ मिला हुआ है। जब हम उससे पहले मिलने गए थे ये सिमुलेशन रन करने से पहले, दो एपिसोड पहले, तो उसने बोला था कि मैं बस अपने साइंटिफिक रीजंस के वजह से काम कर रहा हूँ एनएआर के साथ, बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बट एक्चुअली उसे काफ़ी सारी चीज़ें पता है, जैसे कि हमने उस सिमुलेशन में देखा ब्लैक स्टॉकर भी, एक्चुअली ब्लैक स्टॉकर को भी बनाने में उसी ने मदद की, जो ये मॉन्स्टर्स शेडोज जो बन रहे हैं वो भी सब उसी का हाथ है बनने में। ये बंदा की तरह से मैंने मुझे We need to talk, Igor. Okay, एक नया मिशन भी बन गया। Got some intel that needs acting on. NAR is preparing a huge shipment of munitions, maybe food as well. We can't let this opportunity go. Oh, you're not wasting any time on that radio, huh? Sure, I'll look into it. Okay, so. Repaired port, chain reaction, Kopachi. Yahan se to hum abhi aaye. Weapon transport, NAR equipment is very well secured. The boxes are loaded with... Slipper codes and weapons require biometric confirmation. However, some of the stuff prepared for transportation may be more accessible. It's an opportunity I shouldn't miss. Okay, वो हम बाद में जाएंगे, पहले ये वाला करते हैं। Oh, repaired port का mission को Olivier का देखो 95%. Actually भेज सकते हैं किसी और को, पता नहीं main mission करने के लिए। यहाँ पे 99%। एक काम करते हैं, मैं ओलिवियर को इधर भेज के देखता हूँ कि क्या ये सक्सेस परसेंट चांसेस जो है ये 99% है। एंड उसके अलावा ये मेन मिशन है, तो क्या ये मेन मिशन करके आता है कि ये बस कुछ सामान रैंडमली उठा के लेके आएगा, क्योंकि ये मिशन में एनएआर इक्विपमेंट इज़ वेरी वेल सिक्योर्ड, द बॉक्सेज आर लॉक्ड, मतलब एनएआर की कुछ जो वेपन ट्रांसपोर्ट है उसमें से चीज़ें उठाने के लिए है। एन अपॉर्चुनिटी आई शुड नॉट मिस। तो इसका सक्सेस चांस 99% है, तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि ये जो मिशन है वो अपने आप में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कुछ बस थोड़े बहुत एन आर सूर्जस को मार के उनकी चीज़ें उठानी होगी, तो वही होगा ये मिशन। बट इससे हमारा इसको यूज़ करने से एक पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे कंपेनियंस मेन मिशन कर सकते हैं, तो ये अगर कर सकते तो वो बढ़िया, अगर नहीं भी किया तो भी हमारा कुछ नहीं जाना, हम अगले एपिसोड में ये मिशन निपटा लेंगे। तो ये मुझे एक देखना था, ठीक है। बाकी फूड स्टैश 86। अचानक से मिखेल का सब में सबसे ज़्यादा आ रहा है, 60, 80, 73, 80 वाला जा 80, 86, 60, 80, इसमें 86 है मिखेल को, इसमें बिठाते हैं 73 and 73। ओके, तो कौन सा कहाँ पे भेजे इसको, ये इधर है प्रिपेयर्ड सेंट्रल, मॉस्को है तो बहुत ही दूर है, इसको इधर भेजते हैं, इसको घर पे ही बिठाते हैं। ओल्गा का चांस हम 60% इसमें, तो 60% काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये फेल होगा प्रॉबेबली, तो इसलिए उसको उसी में बिठाए। ठीक है, तो मिशन स्टार्ट करते हैं। द कंपेनियंस विल नॉट परफॉर्म द स्टोरी मिशन फॉर इगोर, बट इंस्टेड दे विल कंडक्ट Reconnaissance ensure the safety of the zone. If it is successful, the number of soldiers and mobs that Igor will meet during the mission will be smaller. Use your companions for scouting. The missions seem too difficult or you are not well prepared. अच्छा, ये अभी तक हमने use नहीं किया था इसलिए पता नहीं था। तो एक्चुअली मेन मिशन जो है वो हमारे कंपेनियंस नहीं करेंगे, बट अगर हम मेन मिशन करने से पहले एक दिन पहले वाले हम अपने कंपेनियन को भेजें तो वो एरिया वगैरह स्काउट करके आएंगे, जिस वजह से जो एनएआर के सोल्जर्स वगैरह होंगे वो सब कम होंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ इन्होंने मार दिए होंगे वगैरह, ऐसे चांसेस है। तो या दैट इज़ अ कूल मैकेनिक्स, ये मुझे अभी पता चला। एक्चुअली पहले पता था तो हम पहले दूसरे मिशंस के लिए भी कर सकते थे, जैसे अभी तक कोई मिशन मुझे इतना हार्ड नहीं लगा कि मुझे इनकी हेल्प चाहिए स्काउट करने के लिए, बट ठीक है, कूल मैकेनिक्स। Could this be a turning point, Igor? Having such a powerful ally in this place could change everything for you. But then again, you've always been so trusting. I hope it won't be your downfall. Prepared port day 18, okay, day 18 चालू हो गया। एक रैंडम इवेंट, एंड ये कौन है, वैगाबॉन्ड। अच्छा, वैगाबॉन्ड का भाई था क्या जो मरा था,
नहीं नहीं वैगाबॉन्ड का नहीं था, लॉकस्मिथ हमें मिला नहीं है। लॉकस्मिथ जो हमारा वेंडर है वो उसने बताया था कि वो अपने ब्रदर को ढूंढ रहा है। एंड आई थिंक पिछले दो एपिसोड पहले जो मिशन हमने किया था, कौन सा मिशन था जिसमें हम शायद तराकान का आइटम उठाने गए थे वो वाला, या फिर जिसमें हम सेवन ऑफ से मिलने गए थे, उन दोनों में से कोई एक मिशन में हमें उसकी बॉडी मिली थी लॉकर के ब्रदर की, वो लॉकस्मिथ के ब्रदर की। तो जब हम लॉकस्मिथ से मिलेंगे हम उसे बता सकते हैं, बट मुझे लॉकस्मिथ अभी तक कहीं पर मिला नहीं है, या तो वैगाबॉन्ड है। वैसे ही क्वेश्चन मार्क्स में से एक जगह पे लॉकस्मिथ हो सकता है। कभी कभी ऐसे होता है कि जो वेंडर्स होते हैं वो वापस एज ए रैंडम इवेंट चले जाते हैं एंड हमें उन्हें वापस ढूंढना पड़ता है। तो सबसे पहले इधर चलेंगे, फिर ये वाला, एंड फिर फाइनली मेन मिशन करने जाएंगे। आज का एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है, डिपेंड करता है हमें कितना टाइम लग रहा है। वन आवर मार्क में मैं प्रॉबेबली रैप अप कर दूंगा एपिसोड। ओके, सो ये पक्का कोई वेंडर है, ये तो शायद वैगाबॉन्ड ही। ओके, वेलकम वेलकम, फैंसी सम ट्रेडिंग? I have to... Out here, everything is in the middle of nowhere. Sometimes, you learn same that you've met for... Okay, exchange food for gear, exchange... Alright. Gear game was here, I'm going to... Do you buy goods as... Sure. Four food rations for one tactical and... Nah, tactical. I think I'm... Good luck building your fortune, bye Mr. Bye. Invisible Hand. Ah, thanks. But I'll make my own luck. Okay. Vagabond gaya. Ye kya hai? For some reason hum udhar ja nahi sakte. This machine assimilates and neutralizes the Chernobylite dispersed, makes the Chernobylite storm less frequent. Effective. Okay, use Chernobylite power to stop radiation particles, slows down the rate of radiation growth in the zone. अच्छा, तो मुझे लग रहा है मे बी ये हमें बनाना पड़ेगा ऐसे जगहों पे। यू कैन नॉट बिल्ड व्हेन योर लाइफ इज इन डेंजर। ये भी हम थोड़ा घूम के जा सके उधर। मुझे लग रहा है शायद यहाँ से ये रास्ता हो। मेरा तीन लाइफ की चेक्स जो बार्स है वो पहले खत्म हो गए। ओके, तो वो जो था वो रैंडम इवेंट था, वो जो रेडियो से स्टैटिक आते हैं ना इनके वॉकी टॉकी से, वो वाला इवेंट था। देखो गायब हो गया। एक्चुअली मैं अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उसका यूज़ क्या है, वो तो पहले ठीक कर लेते हैं। हील बढ़िया, चलो अभी हमें किधर जाना है, इस तरफ एक, अरे 100% श्योर हूँ कि इधर एक और क्वेश्चन मार्क था, देखा तो आपने भी होगा एपिसोड की स्टार्ट में। दूसरा वाला रैंडम इवेंट गायब हो गया है, क्या ही इस वजह से गायब हुआ क्योंकि मैंने ये पहले किया, ऐसा कुछ है क्या मुझे पता नहीं, बट ठीक है। तो फिर सेमिन ऑफ से मिलना चलते, और क्या और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास अभी, और कुछ बचा भी नहीं एरिया में करने के लिए। रास्ते में जो भी लूट मिल रही है वो हम उठा लेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। करने का रास्ता चाहिए या से कहीं से आइए रहा।
Flammable part, okay. चलो ज़्यादा दूर नहीं है 108 मीटर एंड पहले तो मुझे लगा दो रैंडम इवेंट्स से तो वो करने में टाइम लगेगा बट एक तो ऐसी वो वॉकी टॉकी वाला था एंड दूसरा अपने आप गायब हो गया यानी कि ये वाला हम शायद निपटा सकते हैं जल्दी मिशन ये चर्नोबिलाइट हम जला नहीं सकते नहीं जला सकते पता नहीं क्या है आई थिंक यही हाँ यही बिल्डिंग में हम लड़े भी थे ब्लैक स्टॉकर से पहली बार बिल्डिंग के अंदर जाने का कोई रास्ता होना चाहिए सामने का रास्ता ये तो है क्या यहाँ से वो है ओके कूल तो इसने बोला था ये बिल्डिंग के छत पे जाना है हमें ओए ओए किसी की आवाज थी ना चाहिए मर गया मुझे लगा और तो नहीं है इधर और हो सकते है पक्का शॉटगन निकाल के घूमते ये क्या है छत पे अटका पड़ा है नहीं क्या नहीं मुझे ऐसा लगा किसी का पैर है ये ओके ऊपर कहाँ से जाए ऊपर हमें जाना है छत तक इतना मैं श्योर हूँ ओके यहाँ से जा सकते हैं यही बिल्डिंग में हम ब्लैक स्टॉकर से लड़े थे शायद अगर मुझे याद है तो क्योंकि ऐसे एक लंबा सा बिल्डिंग था बहुत सारे कॉरिडोर्स थे अगर मैं सही हूँ तो यही बिल्डिंग में था एंड ये बिल्डिंग हम छत पे जा चुके हैं ऑलरेडी एक बार तो इतना मुझे पता है कि हम छत पे जा सकते हैं एक्चुअली बस हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा ये ऐसा क्यों है फ्री में एक फ्लोर नीचे गिर सकते गड्ढे से कूदे तो ओके यहाँ से और ऊपर अब ओके तीन आर्मर खा गए एक ही बार में ये बचे हुए दोनों आर्मर पहन क्यों नहीं रहे मेरे पास सिरेमिक प्लेट है बट ये आर्मर क्यों नहीं पहन रहा है ओके आराम से नीचे नहीं गिरना है मॉन्स्टर मॉन्स्टर है तो ओके एक और मॉन्स्टर है ऊपर के फ्लोर पे मॉन्स्टर ही है ना ये ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है ब्लैक स्टॉकर तो नहीं अच्छा मेरा आर्मर अपडेट हो गया ये देखो थोड़ा टाइम लगता है उसको अपडेट होने को ऊपर एक है कोई तो एंड नीचे अच्छा ये मॉन्स्टर या ब्लैक स्टॉकर है पक्का ये ऊपर के फ्लोर से सीधा नीचे चले गया मतलब फिर तो पक्का वही है अरे यार मुझे ऊपर जाना है दो मॉन्स्टर्स यहां से मैं आया हूं जाए कहां से यह रास्ता मुझे नीचे लेके जा रहा है ऐसा तो नहीं कि एक फ्लोर नीचे जाके फिर ऊपर जाना है ये पक्का मॉन्स्टर्स है जिस हिसाब से टॉप फ्लोर से गायब होके नीचे गए वो पक्का 100% मॉन्स्टर्स ही हो ये देखो ऊपर आ गए अब यप ये बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं एक बार में दो लाइफ गायब इसका डैमेज देखते कैसा है
not bad. But yeah. Shotgun. Okay, cool. Yeah, we can go up. I hope that we have reached the roof. And one floor up, right? How much is it up? How much building is it? How many floors? I think it's the 5th floor. It will be in the corner. Stairs. Here. Now this is definitely a good one. Okay, cool. हाँ यहाँ पे हम इधर आ चुके पहले भी एक बार लेकिन तब कुछ था नहीं तो मैंने बोला था आगे कोई मिशन होगा जिसमें हमें रूफ पे आना पड़ेगा मुझे लगा था नहीं क्या मुझे लगा कुछ स्काउटिंग मिशन वगैरह होगा किसी को मारने आने ऊपर से लेकिन आई थिंक सेमन ऑफ किधर है लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है मुझे कहाँ से आ रही है आवाज अच्छा ये must be the documents Professor Semenov left for me. ये ये लेकिन है किसके साइड से सब कुछ करा जा रहा है तो Semenov का ही है अभी हमें क्लूज वगैरह क्यों दे रहा है सवाल ये है अच्छा, obviously trap का ये। I sense the Rat King closing in on you. Run! You have to do the right thing here, Igor. I know it's risky, but this could be our only opportunity to hurt them from the inside, or at least learn something valuable. What the hell are you saying? You want me to surrender? Think like a partisan, will you? They underestimate you. Use it to your advantage. You'll find out a way to break free later. अच्छा तरकान ने हमें बोला भागने के लिए तरकान ने बोला द रैट किंग हैज फाउंड यू तो मुझे लग रहा है ये जो कोजलोव है जो ये मिलिट्री का हेड है उसको ये रैट किंग करके बोल रहा है लेकिन मुझे लग नहीं रहा हमारे पास भागने का चांस है इनके पास एक चॉपर है पक्का एनएआर के सोल्जर्स भी होंगे नीचे एंड मेरी ओल्गा से रिलेशन भी खराब है तो अगर मैं ओल्गा की बात नहीं मानूंगा तो वो बैड से वर्स पे चल जाएंगी तरकान के साथ अभी हमारे रिलेशन अच्छे हैं I think surrender करना एक मतलब ज़्यादा logical solution लग रहा है। Okay, I give up. I want to talk to the people in charge. You overestimate your value, Professor Chameleon. Alpha team, take him. Okay. ये मुझे लग नहीं रहा हमारे पास भागने का chance अगर हम भागने का try करते हैं तो भी maybe मुझे लग रहा है ये लोग पकड़ ही लेते हैं मैं ओह बेहोश कर दिया भाई क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है मे बी अभी अगर वो मिकेल का रॉकेट होता तो मे बी उड़ा देते क्योंकि कोजलो एनआर का हेड है एंड उड़ने हरा Notify me as soon as the patrol has returned, Sergeant. Welcome back to the world of the living, Kaminyuk. At least for the moment. The name's Kozlov. I'm chief of NAR security. But perhaps you figured that out already. You know, I have plenty of crap to deal with every day. Guarding the exclusion zone against trespassers and lunatics who harass my men and refuse to let us conduct our business in peace. If you were just another dark tourist or stalker or whatever these idiots call themselves nowadays, it would make my job much easier. But we both know that's not the case. Now, are you ready to drop the act and speak with me man to man? That's true. Remain tough, he can't make me talk, he just glorified Headloom with a big head. Say nothing, I'm keeping my mouth shut for now and see what happens. Try to please, if I want to get anything out of him, I need to engage. Yeah, I will go with the third one. Let's act wise and cool. Aram se thande dimag se baat karte dekhte hai ye kya bolta hai. Sure. Let's talk like civilized people. We're developing something big here. Something important. Ye chehre pe light kyun aa raha hai? It's the reason you're here, isn't it? You may find this hard to believe, but all this is simply business. NAR paid the Ukrainian government a fortune to lease this land.
yet we are treated like a hostile occupation force. And for what? The zone is filthy with dangerous radiation. These busybodies would rather die of cancer than live a long, happy life tending their gardens. Achoo. If anything, we're doing those crazy Samoshas a favor by keeping them out of harm's way. Wouldn't you agree? The patrol has returned, sir. They say they have news. Perfect. And about time. Excuse me, Kaminyuk. I will return momentarily. Okay. तो एनएआर ने यूक्रेन के गवर्नमेंट से ये पूरे चर्नोबिलाइट के आसपास का पूरा एरिया खरीद लिया इनके एक्सपेरिमेंट गार्ड करने के लिए पैसे देके ऑन लीश आई मीन रेंट पे. तो इस वजह से गवर्नमेंट इनके साथ मतलब ये लोग यहाँ पे जो भी कर रही है गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है. एंड क्योंकि ऑब्वियसली एक रेडिएशन वाला एरिया है तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि अच्छा है इन्हें पैसे मिल रहे हैं एंड यहाँ पे लोगों की ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है. एनएआर सोल्जर्स स्ट्रिप्ड यू ऑफ योर गियर एंड योर पोर्टल जनरेटर टू ब्रेक आउट ऑफ प्रिजन. यू नीड टू गेट इट बैक. Well, you are temporarily out of your weapons, you are not defenseless. You can still press B and enter build mode and build traps, search the prison and find gear. Okay. Trap build करने के लिए लेकिन मेरे पास कुछ है क्या सामान? Okay, सामान है ही नहीं. सबसे पहले मैं एक बार save कर लूँ इधर. क्योंकि by chance कुछ आगे पीछे होता है तो हम at least load कर पाएंगे. पीछे clue क्या है? ऑब्जेक्टिव पावर प्लांट सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट. ओके. सिक्योरिटी स्टाफ ट्रेनिंग डिजिटल सेफ्टी वगैरह वगैरह मेजर इंसिडेंट्स. रिपोर्ट फ्रॉम द पावर प्लांट ब्रीच इंसिडेंट ऑन दिस सबमिटेड टू जनरल वी कोसलो. पावर प्लांट ब्रीच इंसिडेंट ये आई थिंक हम जो सबसे पहले ब्रीच किया था वो वाले इंसिडेंट की बात चले एपिसोड वन में जो एकदम गेम के स्टार्ट में हमने किया था. मेरे पास कुछ नहीं है ना. ओके. लिटरली कुछ नहीं है मेरे पास. जाना कहाँ से है बे? आई थिंक ये क्वेश्चन मार्क पे हमारा सामान है ऐसा लग रहा है. So, my gear is in the entrance hall. Okay, entrance. अरे ये किधर है? अच्छा नहीं ये ऊपर ही है शायद. ऊपर के फ्लोर पे कि नीचे के फ्लोर पे ये है किधर? एरो तो ऊपर दिखा रहा है यानी कि ऊपर के फ्लोर पे होना चाहिए बट एग्जैक्टली हम जाएंगे कैसे ऊपर सवाल ये है. एक बार देखते हैं ऑल्टरनेट एग्जिट है क्या यहाँ पे कहीं पे. चलिए घूम फिर के एक ही जगह पे आ गया. यहाँ से कैसे तो भी हमें निकलना पड़ेगा सबसे मेन चीज वो है. मुझे आइडिया नहीं है मैं उसको क्रॉस करके कैसे निकलूंगा. यहाँ पे तो हम बंद थे. ओए, वो नीचे आ रहा है. मैं अगर अपने सेल में ही रहूं तो कुछ दिक्कत नहीं है ना. होनी नहीं चाहिए उसे. मुझे लग रहा है उसे वैसे हमें नीचे लाके घुमा के क्या वो अंदर की तरफ गया होगा.
अंदर की तरफ लेके जाके हम मे भी घुमा के आ सकते हैं। एक गया है क्या यहाँ से? ये देखते हैं, इसका मैं एग्रो खींचता हूँ। हम धीरे से निकल सकते थे तो ये लोग ऐसे ही हमारी फाड़ रहे थे, पता नहीं फालतू में। इस तरफ है राइट में एंट्रेंस। इधर है ओके, आगे जाके और राइट में, लेकिन ऊपर के एरो दिखा रहे हैं यानी कि एक और फ्लोर ऊपर है। एग्जिट अब इन्होंने कैसे सुना नहीं कि कोई लिफ्ट यूज कर रहा है, क्या पता। लिफ्ट की आवाज तो चली जानी चाहिए अभी तक पुराने लिफ्ट की। यू गॉट योर गियर पैक एंड यू आर रेडी, यूज द पोर्टल जनरेटर फ्रॉम योर इन्वेंटरी टू गो बैक टू द रेफ्यूज एंड फ्रीज द कच। अरे नाइस, सब कुछ वापस मिल गया। ओके बहुत बढ़िया, ये पहन लेते फिर। ये तो आसान था, उतना टफ नहीं था जितना मैंने सोचा था। यहाँ पे कुछ एक इवेंट अब आए हैं अंदर तो कर लेते हैं, ऐसे टफ होने वाला है ये तो है। मुझे कौन देख रहा है बे? एक दो तीन चार, ओके उस तरफ दो लोग दिखा रहे हैं। अच्छा ये बेसमेंट वाले है, ओके मैं वही सोच रहा हूँ है कौन ये। मुझे क्वेश्चन मार्क तक जाना है ये देखने के लिए कि है क्या वो। I hate being outside, cold, wet, and full of mosquitoes all biting you in the deck. अबे कौन, मुझे नोटिस कौन कर रहा है ये? ऊपर ऊपर तो कोई नहीं है ना। क्या आइटम है? रिवॉल्वर एमो, ओके। When I finish my contract, I'm going to grow a beard. Chicks in Moscow dig beards. I think इसको पहले मारना जरूरी है। ओके बढ़िया, ये नहीं बढ़िया। इधर अंदर कैसे जाए? लॉक पिक होगा शायद। यप
Free shotgun. Cool. Free shotgun. Free pistol. Free AK. बहुत बढ़िया. Free गोलियाँ. Free stuff. बहुत मस्त है. गोली मैंने काफी कम बनाई है गेम में थ्रू आउट. गन्स तो एक भी नहीं बनाई. क्वेश्चन मार्क जो है वो और आगे की तरफ है. उधर दो बड़े वाले लूट भी है. लूट बॉक्सेस. चर्नोबिलाइट. इतने चर्नोबिलाइट का करेंगे क्या? मेरे पास 24 चर्नोबिलाइट हो गया. लेट्स होप कि गेम में आगे कुछ खतरनाक सा बनाने को मिले या कुछ. मुझे क्या लग रहा है ना, जब भी हमें मेमोरी चेंज करनी है हमारे डिसीजंस, तो चर्नोबिलाइट यूज होता होगा. मैंने अभी तक किया नहीं इसलिए मुझे आइडिया नहीं है. नहीं तो फिर चर्नोबिलाइट कैसे देने का कोई फायदा नहीं है. अगर ये लोग इतने मतलब इतना ज़्यादा चर्नोबिलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप देखो तो आप, अगर हमें एंटी चर्नोबिलाइट बर्नर बनाने के लिए एक चर्नोबिलाइट लगता है, तो आप एक तीन चर्नोबिलाइट के बदले एक चर्नोबिलाइट खर्च कर रहे हो. तो काइंड ऑफ अगर आपको ज़्यादा डिसीजंस मतलब चेंज करने अपने, जो अगर आपको लगता है कि अच्छा मैंने इधर गलत चॉइस ले लिया एक्स वाई जेड लोकेशन पे, तो आप चर्नोबिलाइट ये चर्नोबिलाइट्स कलेक्ट करके फिर वो जो डायमेंशन इंटर डायमेंशनल स्पेस टाइप का. लेकिन जब आप मरते हो तभी उधर जाते हो, तब डिसीजंस बदल सकते हो काइंड ऑफ. अब ये लोकेशन किधर है? मुझे ऐसा लग रहा है बेसमेंट में है, तो फिर मैं अभी बेसमेंट में जाने नहीं वाला वापस. हाँ ये बेसमेंट में ही है, तो छोड़ो फिर निकलते हैं यहाँ से. की जाना है क्या? वैसे बेसमेंट में दो ही बंदे थे, कुछ इतने खतरनाक नहीं थे. बस इतना मुझे पता नहीं कि क्या हम वो जो लिफ्ट है वो वापस यूज कर सकते हैं. अगर लिफ्ट वापस यूज कर सकते तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इधर एक बंदा था ना जो चक्कर लगा रहा था. अच्छा वो रहा. ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं. अभी थोड़ा सा इतना एपिसोड लंबा बनाया ही है, खींचा ही है, तो ये भी एक देख लेते हैं क्या क्लू है. अच्छा ये अलग फ्लोर आया है शायद. नहीं नहीं वही फ्लोर है. बट अभी ये दिखा रहा है क्वेश्चन मार्क ऊपर की तरफ दिखा रहा है. पता नहीं मुझे एग्जैक्टली क्या चाहते हैं ये लोग. एक बार देख लेते हैं नीचे की तरफ है क्या. होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रैप अप ही करेंगे एपिसोड. मुझे लग रहा है मे बी इन्होंने जेल में किसी और को पकड़ के रखा है एंड हम उसे छुड़ा सकते हो. मुझे वो है लग रहा है ये. स्नाइपर. लोगों कैसे पता चल गया बे? इधर ही कहीं पे होना चाहिए. किधर है ये क्वेश्चन मार्क? किधर है ये क्लू? यू कांट ओके लूज और किल योर अपोनेंट्स. ओके ओके हमें वेट करना पड़ेगा. दो मिनट वेट कर लेते हैं फिर. ये क्लू हो सकता है हमें कुछ अगला सिमुलेशन रन करने के लिए इम्पोर्टेंट हो. ऐसे मे भी मैं इनको स्नाइप कर सकता हूँ यहाँ से.
आइडिया बट अभी तक सर्चिंग ही चल रही है. यप एक और आ रहा है बंदा, इसको भी स्नाइप करते हैं. ओके लूट आते हैं फिर. वो रूम में एक्चुअली काफी लूट पड़ी है, वो भी उठा लेंगे. आई न्यू इट, दे आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एट द पावर प्लांट. बट व्हाई आर दे इन सच अ हरी? After all, Chernobyl belongs to them. Okay, giving you code name Nostalgia. Newman code name Maple Leaf. Objective: people of specific interest. Tactical report: in our former power plant worker was presumed to be dead after Chernobyl disaster in 1986. His motive remain unclear. He could 86. तो अभी 2016 के आसपास आई थिंक प्रेजेंट. आई थिंक ये गेम भी तभी अर्ली एक्सेस के आसपास आया था 2017 वगैरह में. इस मोटिवेशन रिमेंड अनक्लियर. नहीं, गेम 2019 में आया था. इस मोटिवेशन रिमेंड अनक्लियर. ही कुड बी डेंजरस ड्यू टू हिज वास्ट साइंटिफिक. ओके न्यूमैन, ये एक है तराकान. ओके वैसिली. ओके तराकान ये रहा सास्को न्यूमैन मैपल लीफ. ये कौन है बंदा पता नहीं. तराकान पता है, सास्को नहीं पता. श्रीक ये भी नहीं पता. टिंकर बेल फॉर्मल लोकल टूर गाइड. स्ट्रैगर एंड हिज फ्रेंड वेयर अपेरेंटली कोलैटरल डैमेज ड्यूरिंग दिस मैच. टिंकर बेल्स मोटिवेशन इज नाउ टिंकर बेल मिस्टर. ये मिकेल होगा, एम बियोको लिखा हुआ है ना. या लोकल टूर गाइड, हाँ तो ये मिकेल है. ठीक है, इनटैबिटेड ऑफ द विलेज लोकेटेड इन द रेड फॉरेस्ट. अच्छा ये ओल्गा है, एस्टैबी है ना. ओल्गा मिकेल तराकान सास को नहीं पता. न्यूमैन कौन है? एक्टिव मर्सनरी हायर्ड बाय द नॉस्टैल्जिया. ओके तो ये वो है ओलिविया. तो प्रोबेबली सास को हमारा आखिरी बंदा है जो अभी तक हमें मिला नहीं है, हमारा आखिरी कंपेनियन है ना. बाकी सब हमारे कंपेनियंस के बारे में लिखा हुआ है. ओके गॉट इट गॉट इट. तो मैंने देखा था कि इधर राशन पड़ा हुआ है ये कमरे में, एक बार वो उठा लेते हैं. इधर नहीं है, इधर ही है. दो तीन चार पांच, बहुत बढ़िया खत्म. तो निकलते हैं यहाँ से. यहाँ पे और कुछ इतना खास है नहीं, वो सब फ्लेमेबल पार्ट्स वगैरह नहीं चाहिए. ओके गाइस तो एपिसोड जल्दी रैप अप करते हैं. बस अभी बेस पे जाके देख लेते हैं इनका रिएक्शन क्या है, ओल्गा एंड इन सब का, एंड उसके बाद फिर एपिसोड रैप अप करते हैं. बाकी नेक्स्ट एपिसोड में अगला मिशन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं. वैसे मिशन अभी कौन सा बचा हुआ है? एक वही फूड सिस्टम, फूड नहीं वेपन्स वगैरह चुराने के ही बचा हुआ है जो ओलिविया ने हमें आज के एपिसोड के स्टार्ट में दिया था ना. हाँ वही बचा हुआ है. Chain reaction mission successful, and बाकी देखते हैं इन सब का कैसा गया. Hey Igor, I did some recon for you. The way's clear, but the main task you'll have to complete yourself. I also found something really useful. Chernobylite, बहुत बढ़िया. बाकी ये क्या लेके आया? तीन फुट. अरे बहुत बढ़िया, एक दिन का खाना हो गया. 6 फुट लेके आया. सबको खाना खिलाता है. डबल से क्या होगा? Igor psych will not change, but if he eats a normal meal ration. Companion is content the mission succeeded, but took a toll on his health a bit. Double food ration increases your companion's health and morale significantly. The psych will increase because he ate well. साइक विल इंक्रीज. ओके एक बार डबल खा के देखते, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा फूड राशन पड़ा है. बाकी किसी को मुझे डबल खिला के देखना है कि होता क्या है. मतलब हो सकता है कि अगले दिन जो मिशन हम उन्हें देने वाले उसमें उनके चांसेस बहुत ज़्यादा आए. तो एक्चुअली ओल्गा का आज जो हम देखे थे कि सबसे आधा कम था, 60% था. तो उसको डबल दे के देखते हैं कि अभी जब अगले दिन आएंगे, यानी कि अगले एपिसोड के मिशन में जब हम असाइन करेंगे, देखते हैं ओल्गा के चांसेस बढ़ते हैं क्या उससे. तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं एक्स्ट्रा फूड से क्या होता है. ये सबसे नॉर्मल वाला है जो हम देंगे, तो कंपेनियंस की सब रिलेशनशिप भी नॉर्मल रहेगा, एंड साइक वगैरह सब कुछ, हेल्थ वगैरह सब कुछ नॉर्मल रहेगा. तो अभी मेरे पास है खाना अच्छा खासा, तो मैंने खुद के लिए एक डबल किया कि मुझे देखना है मेरे साइक का लेवल बढ़ता है क्या. आई थिंक जैसे हेल्थ का बार बढ़ा था तो टेम्प्रेरली साइक का बार भी बढ़ जाएगा एक दिन के लिए, क्योंकि हमने पिछले दिन ज़्यादा खाना खाया था. एक कंपेनियन का सक्सेस रेट बढ़ता है क्या, ये देखना है. क्योंकि हमें अभी सास्को करके जो बंदा है वो मिला नहीं है, एंड उसके मिलने के बाद देखना पड़ेगा कि
उसके वो भी आ जाएगा तो एक और बंदा बढ़ जाएगा खाना खाने वाला। तो भाई राशन मेरे पास अभी ये 16 पड़े तो सही है। क्या करना था मुझे, लाइफ ठीक करनी थी अपनी। ओके सो गाइस आज का एपिसोड इधर ही रैप अप करते हैं। किसी ने कुछ ये तो नहीं आया डायलॉग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किसी का कुछ डायलॉग आएगा बट कुछ आया नहीं है। एंड मेरे पास पांच पॉइंट्स हो गए, पांच स्किल पॉइंट्स हो गए, लेकिन मैं बचा रहा हूँ आखिरी बंदे के लिए। क्योंकि अगर आपने नोटिस ना किया हो तो जो आखिरी बंदा है उसका सबसे पहला स्किल ये कि हेल्थ बार इज इंक्रीज बाय 3 पॉइंट्स। तो मुझे ये काफ़ी यूजफुल लग रहा है, इसके लिए मे भी हमें 3 या 4 पॉइंट लगे तो इसलिए वो बचा रहा हूँ मैं। तो आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, मत भूलिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।